अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही ड्रामेटिक कॉपर ग्लिटर आई मेकअप लुक, जो कि करने में बहुत ज्यादा आसान है और दिखने में बहुत अमेजिंग है। तो पूरी लुक मैंने कैसे की है उसके लिए प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा। मैं हर वेडनेसडे और सैटरडे को एक वीडियो जरूर अपलोड करती हूँ। अगर आप सबसे पहले मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो नीचे दिए गए बेल आइकन पे जरूर क्लिक किया करें और मेरी वीडियोस जो है वो थोड़ी देर के लिए देखा करें, नहीं तो YouTube उन सब्सक्राइबर्स को अनसब्सक्राइब ऑटोमेटिकली कर देता है जो कि वीडियोस थोड़ी देर के लिए नहीं देखते और नीचे बेल आइकन जो है उस पर क्लिक नहीं करते, तो उससे मुझे काफी नुकसान होता है क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स जमा नहीं हो पाते। प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूंगी ओलास के मॉइस्चराइजर से, जो कि दोनों स्किन टाइप्स के लिए है, ड्राई और ऑयली स्किन के लिए। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और बहुत लाइट मॉइस्चराइजर है। अब मैं यूज़ करी हूँ बलिया का लिप बाम। आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी लिप्स जो है वो मॉइस्चराइज हो जाए और बाद में लिपस्टिक आसानी से अप्लाई हो सके। अब मैं यूज़ करी हूँ नेक्स्ट की वाइट आई बेस। मुझे लगता है कि जब मैं अपनी उंगली से अपनी आई बेस अप्लाई करती हूँ तो मैं अपनी पूरी आईलिड पे इवन आई बेस बनाती हूँ। आपकी मर्जी है, अगर आप ब्रश से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ मैं छोटे छोटे डैबिंग मोशन में आई बेस जो है अप्लाई कर रही हूँ और जहाँ से अन ईवन होती है वहाँ पर फिर मैं बराबर कर लेती हूँ ताकि पैचिंग ना लगे। आज क्योंकि मेरी थोड़ी सी ड्रामेटिक आई लुक है इसलिए मैं वाइट आई बेस यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक आईज़ नहीं बनानी होती तो मैं अपना नॉर्मल कंसीलर जो होता है उससे भी आई बेस बना सकती हूँ। अगर आप लोग के पास वाइट आई बेस नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, आप कंसीलर से अपनी आई बेस बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और अगर आप कंसीलर से अपनी आई बेस बना रहे हैं तो ध्यान रखें थोड़ा सा जो है थोड़ा सा हैवी कंसीलर अप्लाई कीजिएगा। अब मैं यूज़ कर रही हूँ बी एच कॉस्मेटिक्स की बी एच स्टूडियो प्रो कॉन्ट्रोल पैलेट और इसमें से जो वाइट कॉम्पैक्ट पाउडर है इसे एक फ्लफी से ब्रश पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। और ब्रश पे अप्लाई करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा डैब कर रही हूँ ताकि एक्सेस जितना भी है वो झड़ जाए। और डैबिंग मोशन में मैं अपना वाइट कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरी आई पी एस जो है वो सेट हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हैं ताकि आपका फाउंडेशन सेट हो जाए। जब आपकी आई बेस जो है वो स्टिकी होगी तो आपके आई शेडो जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं होंगे और पैची रह जाएंगे। और जब आप इसे कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लेंगे तो आपके आई शेडो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड होंगे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ बी एच कॉस्मेटिक्स की हैंगर एंड हवाई आई शेडो पैलेट और इसमें से जो शेड टिकी है एक मीडियम डार्क ब्राउन वार्म कलर का शेड है, इसे मैं अपने ब्रश पे अप्लाई कर लूँगी और टैप कर लूँगी ताकि एक्सेस सारा झड़ जाए। और इस शेड को मैं एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं राउंड मोशन में रोटेट कर रही हूँ अपने ब्रश को, आउटर कॉर्नर से लेकर इनर कॉर्नर तक अच्छे तरीके से अप्लाई कर रही हूँ ताकि उसका जो शेड हो वो काफ़ी डार्क आए। और सेकेंडली, आज जो मेरी आई लुक है वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन शेड्स होने वाले हैं इसलिए मैंने एक डार्क ट्रांजिशन शेड इस्तेमाल किया है और इसे मैं अच्छे तरीके से अपनी आंख पे जो है ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइंस ना रह जाए या कोई पैचनेस ना रह जाए। अब मैं सेम ब्रश पे शेड माउई अप्लाई कर रही हूँ और एक्सेस को डैप कर रही हूँ और इस शेड को भी मैं ट्रांजिशन शेड में अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक अप्लाई करूँगी और इसे मैं थोड़ा सा और डार्क रखूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं अपने ब्रश को राउंड मोशन में घुमा रही हूँ आउटर कॉर्नर से लेकर इनर कॉर्नर तक, दोनों कलर्स को अच्छे तरीके से आपस में ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइंस ना रह जाए। और जब शेड जब बदले आंखों पर तो वो भी साफ फील हो और जो मेरी अपर क्रीज है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होनी चाहिए, डार्क होनी चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ और ब्लेंड भी अच्छे तरीके से कर रही हूँ। अब मैं शेड महालो जो है ये एक डार्क ब्राउन शेड है और इसे मैं सेम ब्रश पे अप्लाई कर रही हूँ, एक्सेस को डैप कर रही हूँ और अब मैं इसे अपनी आईलिड्स पे अच्छे तरीके से रोटेटिंग मोशन में अप्लाई कर रही हूँ, साथ साथ तीनों आई शेडो को आपस में ब्लेंड कर रही हूँ। क्योंकि आज मैं सिर्फ ब्राउन शेड्स अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईलिड्स पे इसलिए मैंने ब्रश जो है वो नहीं बदला है,
ताकि अच्छे तरीके से सारे कलर्स जो है वो आपस में ब्लेंड हो जाएं और रिज़ल्ट जो हो वो डार्क होता जाए। अब मेरा फुल फोकस जो है अपनी आईलिड की सेंटर में है और ये जो डार्क आई शेडो है इसको मैं वहाँ पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। जब तक आपको आपका मनपसंद शेड जो है वो नहीं मिल जाता, तब तक आप अपना आई शेडो अप्लाई करते जाएं और साथ साथ ब्लेंड करते जाएं। ऐसे ना करें कि पहले आप सोचें कि हाँ अब मैं आई शेडो पहले अप्लाई फुल कर लूँ और उसके बाद ब्लेंड करूँ। मैं थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर रही हूँ और साथ साथ ही ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एक नीट लुक आए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ NYX की ग्लिटर ग्लू और साथ ही एक छोटा सा फ्लैट ब्रश। मैंने अपनी ग्लिटर ग्लू जो है वो इस छोटे से फ्लैट ब्रश पे अप्लाई कर ली है और अब मैं इसे अपनी आईलेट पे डैबिंग मोशन में अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा ध्यान से, मैं अपर क्रीज के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, बिल्कुल अपनी मेन आईलेट पे जो है सारी ग्लू अप्लाई कर रही हूँ। अगर ग्लू जो है उसकी लाइन क्लियर नहीं भी होती या स्ट्रेट नहीं भी होती कोई इशू नहीं है, क्योंकि वैसे भी बहुत ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ NYX का आई ग्लिटर शेड कॉपर में और इसे मैं एक फ्लैट ब्रश पे, जिससे मैंने ग्लिटर ग्लू अप्लाई की थी उसी फ्लैट ब्रश पे अप्लाई करके और आईलिड्स पे अप्लाई कर लूँगी। जो ये NYX की ग्लिटर ग्लू है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये आपके जो आपकी आंख पे आप ग्लिटर इस्तेमाल करते हैं उसे बिल्कुल फौरन ऑब्जर्व कर लेती है, बल्कि मैं कहूँगी कि 99% जो ग्लिटर है वो आपकी आंख पे अप्लाई हो जाता है और बहुत ही कम जो है वो आपके चेहरे पे गिरता है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ शेड हूला और इसे एक पॉइंटी फ्लफी ब्रश पे मैं अप्लाई कर रही हूँ एक्सिस को डैप करके, और इसे मैं अपने आईब्रो के आर्च पे फिल कर लूँगी ताकि मेरी जो आईब्रो का आर्च है वो हाईलाइट हो जाए और थोड़ा सा शाइनी लगे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मैनहट्टन का डीप ब्लैक जेल आईलाइनर और इसे मैंने अप्लाई कर लिया है। आईलाइनर मैंने थोड़ा सा थिक अप्लाई किया है, विंग भी थिक है आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि मेरा आईलाइनर कितना क्लीन अप्लाई हुआ है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमा की आई लैशेस डबल ट्रबल और वो भी मैंने अप्लाई कर ली हैं, और आप देख सकते हैं कि कितनी फुल हैं, कितनी फ्लफ़ी हैं, उनका कितना अच्छा रिजल्ट है। अप्लाई करने में भी ये बहुत ज़्यादा आसान है, इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, तो अगर आप सस्ती और अच्छी आई लैश ढूँढ रहे हैं तो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी। प्राइमा से बहुत आसानी से मिल जाती हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का स्ट्रोक क्रीम हाइड्रेंट ल्यूमिनेंस प्राइमर शेड रोज में और इसे मैं अपने चेहरे पे अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरे पोर्स जो है वो फिल हो जाए और मेरा चेहरा जो है फाउंडेशन के लिए तैयार हो जाए। ल्यूमिनेंस प्राइमर से आपके चेहरे में एक बहुत ही प्यारा सा ग्लो आता है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ कैटराइस का लिक्विड कैमोफ्लाज हाई कवरेज एंटी रेड कंसीलर और जहाँ भी मेरे चेहरे पे एक्निक स्पॉट्स हैं या रेडनेस है वहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर लूँगी, और आजकल तो बिल्कुल ही मुझे ज़्यादा ही अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि मेरे चेहरे की जो एक्ने है वो काफ़ी ख़राब हो रही है, और इसे मैं अब ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे तरीके से अपने चेहरे में ब्लेंड कर लूँगी। और तब तक इसे अपने चेहरे में ब्लेंड करूँगी जब तक कि जितने भी मेरे चेहरे पर रेडनेस है वो छुप नहीं जाती और बिल्कुल मैट नहीं हो जाती। अब मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस की ग्लो शेरी और इसे मैं अपने चेहरे पे अप्लाई कर लूँगी, ख़ास करके अपने चेहरे के हाईलाइटिंग पॉइंट्स पे, जैसे फोरहेड पे, नोज ब्रिज पे, चिन पे, चीक्स पे, और अच्छे तरीके से इसे ब्लेंड कर लूँगी उंगलियों की मदद से। मैं यूज़ कर रही हूँ कैटराइज का पोरलेस फाउंडेशन, ये क्योंकि गर्मियों की वजह से मेरा जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा डार्क हो गया है, इसलिए मैंने डार्क शेड का फाउंडेशन जो है वो ख़रीदा है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है गर्मियों के लिए, बहुत ज़्यादा मैट है, बहुत ज़्यादा क्रीमी है, बिल्कुल थिक है, लेकिन जब आप इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल आसानी से जो है ये अप्लाई भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, और जितनी भी आपको गर्मी लग रही हो आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल मैट रहता है, बिल्कुल भी फाउंडेशन ख़राब नहीं होता। इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, ये 595 यूरोस का है, ड्रग स्टोर प्रोडक्ट है, आसानी से
अवेलेबल है, जहाँ भी कैटराइज का आपको मेकअप नज़र आए वहाँ पे ये आजकल अवेलेबल है। बिल्कुल नया है ये, ब्यूटी ब्लेंडर से भी आसानी से अप्लाई हो जाता है। बस आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने चेहरे में इसको ब्लेंड करना है ताकि कोई हार्श लाइन्स ना रहे और ये फाउंडेशन जो है केक ही ना लगे, क्योंकि कुछ ही अर्से के लिए आपकी स्किन जो है वो डार्क होती है, विंटर्स में फिर ठीक हो जाती है, इसलिए बिल्कुल रीजनेबल है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पैरिस का परफेक्ट मैच कंसीलर शेड लाइट बेज में, और इसे मैं अपने अंडर आई एरिया पे, नोज ब्रिज पे, फोरहेड पे, अपर लिप्स पे और चिन पे अप्लाई कर लूँगी और इसे मैं अच्छे तरीके से अपने चेहरे में ब्लेंड कर लूँगी। कंसीलर मैं थोड़ा लाइट शेड का इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा जो अंडर आई एरिया है वो थोड़ा ब्राइट लगे, लेकिन मैं फिर इसे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे तरीके से अपने फाउंडेशन में जो है ब्लेंड करूँगी ताकि अंडर आई एरिया ब्राइट तो लगे लेकिन साथ ही फाउंडेशन और कंसीलर आपस में अच्छे तरीके से ब्लेंड हो और फेस जो है वो पैची ना लगे। कंसीलर और फाउंडेशन का आपस में ब्लेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पूरे फेस लुक के लिए, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन और कंसीलर अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं होता और तो बिल्कुल अलग थलग लगता है और पिक्चर्स में बहुत ज़्यादा बुरा लुक आता है, और जब आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ती है तो आपकी आंखों का जो नीचे का एरिया है वो बिल्कुल सफ़ेद लगने लग जाता है और आपके फाउंडेशन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं ब्लेंड किए जा रही हूँ जब तक कि मैं खुद सेटिस्फाई ना हो जाऊँ कि फाउंडेशन और कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ NYX की अबर जेली शेड गोल्ड में, और इसे मैं अपने फेस के हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे अप्लाई कर लूँगी, जैसे चीक बोन्स पे, नोज़ पे, फोरहेड पे, अपर लिप्स पे और चिन पे। ये जो NYX की जेली है ये आपके चेहरे को बहुत अच्छा ग्लो देता है और बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करता है, और अपना फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद जब आप अपना कंसीलर अप्लाई कर चुके हैं उसके फ़ौरन बाद आपने ये जेली अप्लाई कर देनी है, क्योंकि फाउंडेशन में ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाती है, लेकिन अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करने के बाद ये जेली अप्लाई करेंगे तो ये कभी भी आपके चेहरे में अच्छे तरीके से मर्ज नहीं होगी। और एक सॉफ्ट ग्लो के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे फाउंडेशन और कंसीलर अप्लाई करने के बाद फ़ौरन अप्लाई कर लें। अब मैं एक पेंसिल ब्रश पे सेम जो आई शेडो मैंने अपनी आईलिड पे अप्लाई किए थे टिकी और मावी वो अप्लाई कर लूँगी और अपने अंडर आई एरिया पे अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरा अंडर आई एरिया जो है वो बिल्कुल खाली ना लगे और साथ ही साथ मेरे अंडर आई एरिया पे एक अच्छी सी डेप्थ आए। दोनों शेड्स को एक साथ ही मैंने ब्रश पे अप्लाई कर लिया है और अब मैं अपने अंडर आई एरिया पे इसे अप्लाई कर रही हूँ, अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस की वाइट काजल पेंसिल और इसे मैं अपने वाटर लाइन में अप्लाई कर रही हूँ। वाइट काजल पेंसिल से आपकी आंखें बहुत ज़्यादा ब्राइट लगती हैं, बहुत बड़ी लगती हैं, और वाटर लाइन में अप्लाई करने के लिए वाइट काजल जो है वो मेरा फेवरेट है और मुझे काफ़ी सूट भी करता है। ब्लैक काजल मुझे इतना सूट नहीं करता है इसलिए वो ज़्यादा अप्लाई भी नहीं करती हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पैरिस का अपडेट पैराडाइज मस्कारा। अब मैं इसे अपनी आईलैश पर अप्लाई कर लूँगी ताकि दोनों आईलैशेस जो है वो आपस में अच्छे तरीके से मर्ज हो जाएं और सेम लगें और थोड़ी सी और घनी हो जाए ताकि एक फुल फ्लफी लुक जो है वो आए आपकी आंखों पे। अब मैं अपने फाउंडेशन को जो है वो सेट कर लूँगी PH Studio Pro Contour Palette में एक कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से, और इसे मैंने अपने कबूकी ब्रश पे अप्लाई कर लिया है और डाइविंग मोशन में मैं इसे अपने चेहरे पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा फाउंडेशन जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ कैट राइस का ब्रॉन्जर और इससे मैं अपने फेस को कॉन्ट्रोल कर लूँगी एक फ्लैट ब्रश की मदद से। समर में ब्रॉन्जर से कॉन्ट्रोल करने से एक बहुत सॉफ्ट लुक आता है आपके चेहरे पे, आपका फेस जो है वो कॉन्ट्रोल भी हो जाता है लेकिन आपकी जो लुक है वो भी बहुत ज़्यादा हार्श नहीं रहती, और ब्रॉन्जर में जो शिमर होता है उससे भी आपके चेहरे पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है,
चीक बोन्स के नीचे मैंने अप्लाई कर लिया है और इसे मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। साथ ही मैं अपनी जॉ लाइन को थोड़ा सा कॉन्ट्रोल कर रही हूँ ताकि मेरी जॉ लाइन जो है वो राउंड थोड़ी सी शार्प हो जाए। अब मैं अपने फोरहेड को कॉन्ट्रोल कर रही हूँ और अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे फील हो रहा है कि ब्लेंडिंग की और ज़रूरत है वहाँ मैं और ज़्यादा ब्लेंड कर रही हूँ। नाक को कॉन्ट्रोल करने के लिए मैं एक फ्लैट फ्लफी ब्रश यूज़ कर रही हूँ और उसमें अपनी नाक की साइड्स पे स्ट्रेट लाइन्स अप्लाई करूँगी और फिर उन्हें नीचे की तरफ अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूँगी। नाक को कॉन्ट्रोल करते हुए ध्यान रखें आपकी जो लाइन्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और बीच से बहुत अच्छे तरीके से क्लीन होनी चाहिए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक न्यूड शेड का ब्लश ऑन और उसे मैंने अपने कबूकी ब्रश पे अप्लाई कर लिया है जिसे मैं अपने चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ। अब क्योंकि आंखें बहुत डार्क ब्राउन हैं इसलिए मैं अपने चीक्स जो हैं और लिप्स जो हैं उन्हें मैं न्यूड रखूँगी। ये जो ब्लश ऑन है ये BH कॉस्मेटिक्स की आई शेडो प्लस ब्लश ऑन पैलेट में से है और मैं अब इसे अपनी थोड़ी सी नाक पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि एक फ्रेश लुक आए और थोड़ा सा चिन पर। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मैक की हाइपर रेड ग्लो हाइलाइटिंग पैलेट और इसमें है जो मीडियम कॉपर हाइलाइटर है इसे मैं अपने चीक बोन्स पे अप्लाई कर लूँगी। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जब आप निक्स की अबर जेली यूज़ करते हैं और साथ ही लॉरियल पैरिस का जो ग्लो शरी आप यूज़ करते हैं उसके बाद जब आप अपना हाइलाइटर अप्लाई करते हैं तो वो जो दो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके हाइलाइटर को बहुत अच्छे तरीके से इन्हेंस करते हैं और आपका जो हाइलाइटर है उससे एक बहुत ही अलग ग्लो मिलता है। जैसे ही आप अपना थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई करते हैं उसका इफेक्ट ज़्यादा आता है क्योंकि पहले से आप दो जो शिमरी प्रोडक्ट्स हैं वो अप्लाई कर चुके होते हैं जो आपके चेहरे को एक अच्छा सा शाइन देते हैं और मुझे ऐसा इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आईब्रोज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कैटराइज की आईब्रो पेंसिल जो कि वाटरप्रूफ है, शेड डार्क ब्राउन में है। इसके पीछे एक स्पूली ब्रश है, उससे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को ब्रश कर लूँगी ताकि सेट हो जाएं और फिर जो पेंसिल है उससे मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ और ध्यान रखिए कि लाइन से बाहर आपकी आईब्रो पेंसिल ना लग जाए। अब फिर स्पूली ब्रश से मैं उसे सेट कर लूँगी ताकि सारा प्रोडक्ट जो है वो आईब्रोज़ में मर्ज हो जाए। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ कैटराइज का आईब्रो जेल और शेड डार्क ब्राउन में और इससे मैं अपने आईब्रोज को सेट कर लूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस का एक न्यूड कलर का लिप लाइनर और साथ में मैक की लिपस्टिक जो कि मैट है, बहुत सॉफ्ट पिंक कलर है। इसका जो नाम है वो है सेक्सी बट स्वीट। लिप लाइनर से मैं अपने लिप्स को जो है पहले आउटलाइन कर लूँगी। लिप्स को आउटलाइन करते हुए ख्याल रखें कि आप छोटे छोटे स्ट्रोक्स अप्लाई करें ताकि आपकी जो लाइंस हैं वो बिल्कुल क्लियर हों, क्लीन हों और इस तरह आपके लिप्स को भी एक बहुत अच्छी और क्लीन शेप मिलती है। लिपस्टिक और भी ज़्यादा अच्छी लगती है आपके होंठों पर लगी हुई। और अब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी और जब आपका लिप लाइनर अच्छे तरीके से अप्लाई होगा, स्ट्रेट होगा, क्लीन होगा तो आपकी लिपस्टिक ऑटोमेटिकली बहुत आसानी से अप्लाई हो जाएगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का फिक्स प्लस कोट लाइट फिक्सिंग स्प्रे और आप देख सकते हैं कि इसके जो बेस में सारा ग्लेज जमा होता है उसे मैंने हिला लिया है और पूरा जो स्प्रे है वो अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो गया है ग्लेज के साथ और इसे मैं अपने चेहरे पे अप्लाई करके अपने मेकअप को फिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा इसको आपने ड्राई होने देना है और कोशिश करें कि ज़रूरत ज़्यादा भी फिक्सिंग स्प्रे अप्लाई ना करें ताकि आपका मेकअप जो है वो ख़राब ना हो जाए। जी तो ये है मेरी फाइनल लुक। आई होप कि आपको मेरा मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने अगली वीडियो में। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।